ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ लिया है एसिड्स की क्लासिफिकेशन, कि सोर्स के बेस पर कितने हैं, स्ट्रेंथ के बेस पे, कंसंट्रेशन के बेस पे और बेसिसिटी के बेस पे। जैसे बेसिसिटी हमने क्या पढ़ा, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, टेट्रा बेसिक, जिसका फार्मूला था H2SiO4 सिलिसिक एसिड, जो हमें 4 एच पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करवाता है सॉल्यूशन में। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज। अब हमने समराइज करना है कि एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही जहां से हमने शुरू किया था कि एसिड्स वो होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है, खट्टे होते हैं। तो पहली है सोर टेस्ट, द एसिड्स हैव सोर टेस्ट। दूसरा, ब्लू लिटमस अगर है तो उसको वो रेड में बदल देते हैं। अभी लिटमस के बारे में डिटेल से हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इंडिकेटर्स। ब्लू लिटमस अगर है उसके अंदर आप एसिड डालो तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, ये बोरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड होगा, बोरिक एसिड होगा, ये ऐसे एसिड्स हैं जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठोस पदार्थ के रूप में पाए जाएंगे। इसके अलावा लिक्विड तो आपको पता ही है, HCl है, HNO3 है, तो सॉलिड भी पाए जाते हैं और लिक्विड्स भी पाए जाते हैं एसिड्स, ये प्रॉपर्टी है इनकी। नेक्स्ट है, जितने भी एसिड्स हैं ये ज्यादातर नेचर में होते हैं कोरोसिव, दे आर कोरोसिव इन नेचर। ये तो इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई, केमिकल की भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी मेटल्स के साथ देखते हैं, यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। जो अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर था आपने किया है या आप आगे करेंगे, टेंथ में ही है, तो उसमें ये इसकी पंच लाइन थी मेन, कि जब एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल्स के साथ रिएक्ट होंगे, तो उनसे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, इवोल्व हाइड्रोजन गैस। ये हम याद रख लेंगे, मेटल्स के साथ जब भी एसिड्स रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, वो मिलती है। जैसे एग्जांपल है, जिंक को आप रिएक्ट करवा रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या रिएक्शन होगी, ZnSO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस आपको मिल रही है। ये सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में है, ये अब एक्वस फॉर्म में आ गया, ये गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाती है। या फिर और एग्जांपल आप देख सकते हो, Mg मैग्नीशियम के साथ HCl रिएक्ट करवा दो तो Mg और Cl का बनेगा MgCl2, इसकी वैलेंसी 2 है, ये इसके नीचे जाएगी, इसके नीचे, और H2 बैलेंस करोगे तो जाहिर सी बात है यहां हमें 2 करना पड़ेगा। इसी तरह MgH2SO4 के साथ भी आप रिएक्ट करवा सकते हैं, Mg प्लस H2SO4, तो इससे क्या मिलेगा आपको, MgSO4 प्लस H2। यानी कि एसिड्स जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। जब मेटल ऑक्साइड्स के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो इससे आपको मिलेगा सोल्ट एंड वाटर, सोल्ट मिलेगा एंड वाटर आर फॉर्म्ड, सोल्ट और वाटर, ये दो चीजें आपको मिलती हैं। और इस रिएक्शन को करने के लिए आपको इसकी हीटिंग की जरूरत भी पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको गर्म करना पड़ेगा, जब आप गर्म करेंगे तब ये रिएक्शन होगी। जैसे कि मेटल का ऑक्साइड है MgO, इसके साथ आप H2SO4 को रिएक्ट करवाएं तो जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास आएगा MgSO4
प्लस एच टू, ये साल्ट है ये वाटर। मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्या होगा, साल्ट और वाटर बनते हैं। साल्ट और वाटर एक केस में और बनते हैं, उसको भी अभी ले लेते हैं। जब भी आप एसिड की रिएक्शन बेसिस के साथ करवाएंगे तो भी आपको मिलेगा साल्ट एंड वाटर, और इसका स्पेशल नाम भी है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर रिएक्शन विद बेसिस, जब बेसिस के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा साल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन का नाम भूलना नहीं आपको, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस मिलेंगे तो रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, एंड द प्रोडक्ट्स आर साल्ट एंड वाटर। जैसे HCl एक एसिड है, इसके साथ NaOH, NaOH एक बेस है, इन दोनों को आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। बहुत फेमस रिएक्शन है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं। ये साल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक जो गर्म में खाते हैं, और H2O वाटर, ये रिएक्शन है। नेक्स्ट है और लास्ट रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड की रिएक्शन करवानी है मेटल्स के, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स क्या होते हैं CO3, एंड बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स क्या है HCO3, उनके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है CO2 एंड H2O, ये मिलेगा। कार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो हमें ये दो चीजें मिलने वाली हैं, CO2 और H2O। इसके अलावा क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। साल्ट मिलेगा, ये तो है ही, ये CO3 कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट CO2 H2O, ये तो मिलते ही हैं। इसके साथ में आपको उसी मेटल का साल्ट भी मिलेगा, जैसे आपको दिया हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसके साथ आप एसिड की रिएक्शन करवाएं HCl की, तो एक तो मिलेगा इसका साल्ट, साल्ट क्या बनेगा CaCl2, इसकी वैलेंसी दो हम वहां चलेगी वही पुरानी बात, और H2O और CO2। अगर आप बाइकार्बोनेट लेते हैं, पहले भी आपको एक दिन बताया था CO3 है कार्बोनेट, HCO3 क्या है बाइकार्बोनेट, SO4 क्या होता है सल्फेट, NO3 क्या होता है नाइट्रेट, ये आपको याद रखने हैं, फेमस से नाम है ये। तो अगर आप बाइकार्बोनेट लेते हैं, जैसे NaHCO3 बाइकार्बोनेट ले लिया आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ आप एसिड मिलाएं जैसे SO4 मिलाया, तो इससे भी एक तो साल्ट बनेगा, सोडियम का बनाओ साल्ट Na2SO4, भाई ये ले लो, इसकी वैलेंसी -2 है, और सोडियम लो इसकी +1 है, चेंज करो Na2SO4 और प्लस क्या बनता है H2O एंड CO2। कुछ रिएक्शन से बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, आप इनको कर सकते हैं। तो ये एसिड्स की मेन प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल भी और फिजिकल भी। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि सॉल्ट टेस्ट है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, कुछ सॉलिड होते हैं कुछ लिक्विड होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ऑक्साइड के साथ क्या होता है साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एक आधा और एग्जांपल यहां आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लिया आपको दे दिया CuO प्लस HCl। इस क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, इसका कलर पूछ लेते हैं आपसे, MCQ में पूछ लें या फिर 1 मार्क्स वाले में पूछ लें, तो याद रखना इसका कलर होता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, और इससे बनना तो वही है CuCl2 और H2, ये साल्ट होगा ये वाटर होगा, और इसका फिर कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। तो ये कलर आपको ध्यान रखना है यहां पे। तो मेटल ऑक्साइड के साथ क्या बन रहा है साल्ट एंड वाटर, और फिर बेसिस के साथ रिएक्शन होके क्या बनता है साल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। कार्बोनेट बाई कार्बोनेट से क्या बनेगा साल्ट बनेगा, H2O और CO2 बनेगा। अब एक दो और पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं एसिड्स के बारे में, जैसे कि वाटर है अपने पास,
तो याद रखना है कि जो रेन वाटर है, बरसात का जो पानी है, ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें कंडक्टिविटी होती है, इस कारण से होती है क्योंकि इसके अंदर आयन्स प्रेजेंट हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टिंग है ये रेन वाटर। क्यों, कैसे है, क्योंकि वाटर है और एयर में क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये जो चीजें हैं ये होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन बन जाती है। जैसे CO2 मिली तो क्या बन गया, H2CO3, SO3 बनी तो क्या बन गया, H plus O4, फिर ये टूट के आयन्स प्रोड्यूस करते हैं और आयन्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है। क्योंकि कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो है मेटेलिक, जो ये वायर तार हम देखते हैं ये मेटेलिक है, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, उनमें आयन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चलती है। जैसे घर में इन्वर्टर पे जो बैटरी है उसके अंदर केमिकल्स है, उन आयन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो रेन वाटर अच्छा कंडक्टर है, याद रखना आपको। डिस्टिल वाटर अगर आपके पास है, बिल्कुल प्योर वाटर है, तो ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा वाटर बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है और इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है। पोलर का मतलब यह है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और जब वो अपनी तरफ खींच लेता है तो दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग पोल्स बन जाते हैं, तो उसको हम पोलर कहते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी शेप वी शेप होती है ऐसे, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो इसके ऊपर आ जाता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं, और इनके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या है, पोलर है। और जब भी आप सोलुबिलिटी पढ़ें तो हमेशा आपने याद रखना है लाइक डिजोल्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे के अंदर घुलता है, पोलर है तो पोलर के अंदर घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर घुलेगा। तो ये एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी थी। यहां से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ऐसा क्यों, किस कारण का प्रोसेस क्या है। तो मेटल्स की क्या है, बिट आपने पढ़ी है, मेटल्स की आदत है कि ये तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और एसिड में से आपको क्या मिला हुआ है, एच पॉजिटिव। तो मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करते हैं, जैसे इसी रिएक्शन की हम बात करें तो ZN ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिबरेट किए, छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन, वो किसने लिए, वो इस एच पॉजिटिव ने लिए, और फिर एच बना यानी कि डिस्चार्ज हो गया, फिर ऐसे ऐसे दो मिले आपस में और ये क्या बन गया, एच टू। तो ये कारण होता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का। तो मेन प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, आपने याद रखनी।